अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ट्रस्ट वैलेट क्या है। ट्रस्ट वैलेट एक वैलेट है जो कि बनेस का ही है, और ट्रस्ट वैलेट के ऊपर जब आप अकाउंट बनाते हैं तो उससे पहले आपको 12 वर्ड के कुछ कोड दिए जाते हैं जो लगा कर आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। वो जो 12 वर्ड दिए जाते हैं वो आपने हमेशा सेव रखने हैं, उसके बगैर इसकी रिकवरी नामुमकिन है। और अगर आप अपने वो कोड भूल चुके हैं तो आपने करना ये है कि आपने यहाँ सेटिंग में आना है, यहाँ पर वैलेट में आना है और इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे करना है शो रिकवरी फेस, तो आपका जो है वो शो हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप अपनी मर्ज़ी का नाम अपना रखना चाहते हैं तो इसे कट करके आप अपना नाम रख सकते हैं। ये है इसके अकाउंट क्रिएट का तरीका। अब आगे चलते हैं जी। यहाँ पे आप अपने मुख्तलिफ कॉइन्स NFTs यहाँ पे आप रख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे बना भी हुआ है NFT और टोकन। अब फ़र्ज़ करें आपको यहाँ पे कोई ऐसा टोकन है जो यहाँ पे आपको कॉइन शो नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे देखें मैंने जैसे रेडियो काका लिया हुआ है लेकिन मेरे पास शो नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगा, ये देखें रेडियो काका टोकन BEP20, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे इनेबल कर लूँगा और फिर मैं वापस आऊँगा। तो ये देखें ये मेरे पास आ गया रेडियो काका। अब ये देखें मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये है रेडियो काका, ये V2 जो मेरे पास था, ये देखें। अब ये देखें ये मेरे पास आ गया, जितने कॉइन मेरे पास पड़े हैं वो यहाँ पे शो होना शुरू हो गए। उसके बाद मैंने एक कॉइन लिया हुआ था यहाँ पे PKR, ये मैं आपको सिर्फ टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ देखें PKR मैंने सर्च किया, मेरे सामने आ गया, तो ये देखें मैं बैक आया तो ये PKR भी मेरे सामने आ गया। ये देखें जो जो मैंने लिए हुए थे मेरे सामने आ गए, ऊपर मेरे पास बैलेंस भी शो हो गया। अब कोई कॉइन ऐसा जो आपको यहाँ पे शो ना हो रहा हो, लाइक हम ADA सर्च करते हैं तो यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें आपको नहीं हो रहा, आप ये करते हैं, अब आपको चाहिए जो आपने सर्च करना है लेकिन आपको मिल नहीं रहा कि जो कॉइन आपने सर्च करना था, तो आपने क्या करना है, उसको ख़ुद से ऐड कर सकते हैं, कस्टम ऐड कर सकते हैं। और वो किस तरीके से कर सकते हैं, आपने यहाँ पर जाना है, ये देखें यहाँ पे उसी का नाम लिखना है। लाइक मैं आपको बता देता हूँ जो नाम, कोई नाम ऐसा कोई ख़ुद से ही मैं कर देता हूँ TWVE। अब ये देखें ये वाला कोई कॉइन नहीं है इस तरह का, ये मैंने अपने से ही लिखा है। अब आप क्या करेंगे, कस्टम टोकन सबसे पहले यहाँ पे उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लगाइए, और उसके बाद आपने यहाँ पर करना है क्योंकि आप बनास पे हैं तो स्मार्ट चेन करें पहले। उसके बाद यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लगाएं, यहाँ पे उसका नाम लिखें, यहाँ पे उसका जो निक नेम है वो लिखें, और यहाँ पे वो साथ में बताया होता है उन्होंने को कोड सा, वो यहाँ पे लिखें और आप क्रिएट कर लेंगे तो वो टोकन आपका यहाँ पर आपके मेन में शो हो जाएगा। तो एक है ये तरीका कि क्रिएट कैसे करना है और कॉइन को यहाँ पे सर्च कैसे करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो अगली वीडियो आपको आएगी उसमें आपको बताऊँगा कि पैनकेक स्वैप से कॉइन कैसे बाय करते हैं, और इसी के साथ मुंसलिक जो एक्सचेंज है इससे कॉइन्स कैसे बाइंग की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।